अच्छा, क्या आपने ट्राई किया सॉल्व करने का? इमेज कहाँ बनेगा? या एनीबडी सॉल्व, से यस नो व्हाट एवर। हाँ जी, क्या मैं सॉल्व करूँ इसको? यस ओके दोस्तों, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है। सपोज दिस इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओनली, या जैसा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है खास। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन करवाओ इस लेंस में, तो कहीं ना कहीं उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब जो भी इमेज बनेगा, अब मिरर में उसका फिर से इमेज बनाओ, ठीक है ना? तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, इमेज फाइंड करना होगा, इमेज की पोजीशन मिल गई, उसके बाद मिरर फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है? तो कर सकते हैं हम इसको, चलिए करते हैं। ओके दोस्तों, सो लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले देखो, ये 30 सेंटीमीटर तो आप यू लिख सकते हो। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ किसके लिए, फ्रॉम लेंथ, है ना? तो लेंथ से सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो यू इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ रहा है, -30। एफ कितना आएगा, तो एक लेंस वो भी कॉन्वेक्स, तो उसके लिए एफ पॉजिटिव आता है। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। चलिए इसको यूज किया तो क्या मिलेगा आपको, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो 1/v - 1/u, तो u कितना है, -30 इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरफ आएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, है ना? हम बोल सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/20 - 1/30। ओके, एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आता है कितना, 60, राइट? तो 3 - 2, तो बेसिकली वी की वैल्यू जो आ रही है वो 60 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, आप इसको यदि ध्यान से देखो, वी यदि 60 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वी यदि 60 है तो इसका मीनिंग क्या है, एनीबडी? स्पीड और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट वी कैन से नहीं, ये मिरर से भी उस तरफ, यानी कि ये लाइट रेज जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर जाएंगी, और यदि यहाँ पर मिरर नहीं रखा होता, मिरर यदि यहाँ पर नहीं रखा होता, तो इससे भी 20 सेंटीमीटर पीछे जाकर इमेज बनता, यहाँ पर इमेज बनता। आर यू गेटिंग? वर्चुअली में अभी तो रियल इमेज है ना बेटा, वी पॉजिटिव है तो रियल इमेज, ठीक है? लेंस में तो रियल ही होता है ना बेटा। हाँ, नहीं, ओके, सर, जो मिरर आता है तब बोल रहा हूँ। हाँ, अब मिरर के लिए ये इमेज जो है, I1 जो है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, समझ गए? मैं ये बोल रहा था बेटा कि हमने लेंस में रिफ्रैक्शन करवा लिया और इमेज बना लिया, तो जो फर्स्ट इमेज आएगा वो कहाँ पर आएगा बेटा? वो आपको मिल रहा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना? और पॉजिटिव आया मतलब राइटवर्ड, करेक्ट? बात समझ में आई? तो मतलब वो मिरर से भी पीछे यस बन रहा है, और मिरर से भी पीछे बन रहा है इसका मतलब इट इज व्हाट, इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना? मतलब मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर करेंगे फॉर मिरर। मिरर के लिए क्या होगा अभी, तो बेटा अब लाइट रे आई तो ये वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। एक्चुअली ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है ना, तो मतलब मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे इसका इमेज बनेगा। इट मीन्स यू कैन सी दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। इसका मतलब आप यू की वैल्यू रखोगे, अभी क्या रखोगे बेटा, +20, समझ रहे हो? क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव लिखना पड़ता है, ठीक है? ओके, नाउ वी आपको फाइंड करना है, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाउ मच, R/2, बट नेगेटिव -10, है ना? यस, तो अब आप फिर से मिरर, अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, बट द वैल्यू इज हियर, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये रख दिया मैंने। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपको मिल रहा है -30,
वन बाई ट्वेंटी ऐसे आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा आप लोगों को मिलता है माइनस ऑफ थ्री बाई ट्वेंटी, और वी की वैल्यू मिल रही है 20/3 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव वाला, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आपको रियल इमेज मिल रहा है। तो 20/3 सेंटीमीटर किधर आएगा बेटा, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बिफोर द मिरर, ठीक है। तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ कहीं आएगा, तो आप इसको बोल सकते हो कि आई टू यहाँ कहीं बनेगा, और इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो 20/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोगों, यहाँ पर ना मिरर में देखो आपको बोल दिया कि वेयर द इमेज विल फॉर्म, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया इस लेंस में, लेंस से लेंस से जो इमेज बना वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया आई टू वाली जगह पर, ठीक है। अब आपको देखो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एक तरह से रियल इमेज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरह से रियल इमेज है, ओके। तो बेटा ये रियल इमेज है, तो इसका इमेज वापस लेंस से, यानी कि यहाँ से जो रेज है वो फिर से लेंस से रिफ्रैक्ट होकर उस तरफ चली जाएगी। आर यू गेटिंग, क्या मेरी बात समझ पाए? तो बेटा अब इसके लिए यू की, नया यू की वैल्यू क्या हो गई, तो 20, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस 40 था, 40 - 20/3 ये डिस्टेंस हो जाएगी, समझ रहे हो? यस। अगेन फॉर लेंस, अगेन लेंस के लिए बात करते हैं, तो बेटा अब आप बोल दोगे कि u की जो वैल्यू है, मिरर में 1/u माइनस आएगा ना, क्या बेटा मिरर में 1/v - 1/u आएगा ना? नहीं, मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u होता है ना, और यहाँ पर u कैसा है, पॉजिटिव है, राइट, मिरर के लिए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यदि रियल ऑब्जेक्ट होता तो नेगेटिव होता, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये ऐसा, ये नया u मतलब अब फिर से लेंस के लिए बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, अब ये लेंस से ये डिस्टेंस कितनी है, 40 - 20/3 है ना, तो आप इसको बोल सकते हो कि 100/3 सेंटीमीटर, करेक्ट, डू यू एग्री? ये आ गया माइनस ऑफ 100/3 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, फोकल लेंथ तो वही है, कितनी 20 थी ना, कितनी थी फोकल लेंथ लेंस की, 20 थी, तो 20 रख लो, यस, ओके, 1/v - 1/u = 1/f, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, 1/v - 1/-100/3, तो ये ऐसा आ जाएगा = 1/f, और focal length positive होती है, तो ऐसा ही लिख दिया। चलिए उस तरफ जाएगा, minus minus plus कर लो, उधर जाएगा फिर से minus, तो 1/v = 3/100 + 1/20, LCM लेते हो तो 5 + 3 = 8 होता है ना, 8/100, clear? तो v को आप बोल सकते हो 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। सो बेटा 12.5 पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, लेंस से देखो इस वाली डायरेक्शन को हमने क्या लिया था, देखो यहाँ पर था ना, एक मिनट, यहाँ पर था ना, तो अब ये इधर बना, ये वाली डायरेक्शन अभी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट, इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए। तो फाइनली जो इमेज बनेगा ना वो लेंस से 12.5 सेंटीमीटर बिफोर बनेगा, समझ रहे हो, यानी कि फाइनल इमेज विल फॉर्म हियर, फाइनल इमेज I3, ये फाइनल इमेज है, और ये कहाँ बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्लियर, मेरी बात समझ पाए, बोलिए दोस्तों। सर I2 बनने के बाद वापस क्यों होगा वो, मतलब इमेज लेकिन इमेज रियल बना, समझ रहे हो, इमेज कैसा बना बेटा, रियल बना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रियल इमेज यहाँ पर बन रहा होगा, तो उसका फिर से इस लेंस में रिफ्रैक्शन होगा। मैंने क्या बोला था, फाइंड द फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज, समझ में आ रहा है, ओके, तो मैक्सिमम जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं वो सारे हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करने, तो इतने होंगे, ठीक है,
तो आई थ्री वर्चुअल इमेज होगा। अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? एक मिनट हाँ हाँ जी मैंने गलत लिख लिया बेटा, यहाँ पर ये नेगेटिव आना चाहिए। नहीं यस 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 मैंने गलत लिख दिया बेटा। या बिल्कुल सही याद दिलाया आपने बेटा, ये राइट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -3/100 है ना, तो ये यहाँ पर 5 3 2/100 आ रहा है और आंसर इज 50। यस 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 कैलकुलेशन एरर हो गई थी बेटा, अभी सही आ रहा है ना, क्या आ रहा है 50 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब फाइनल जो इमेज बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट से भी पीछे की तरफ बनेगा, इधर कहीं। ये 12.5 हटाओ यहाँ से, क्या नहीं, फाइनल इमेज जो बनेगा इससे भी पीछे बनेगा, यहाँ पर बनेगा 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है ओके दोस्तों, बात समझ चलो पाए? चलो i3 हाँ का जी, हम क्या वापस नहीं बोल? करेंगे ना? नहीं नहीं बस हो गया, नहीं आई नहीं थ्री ऐसे नहीं फाइनल हो गया होगा। बेटा, वो फिर से ऑब्जेक्ट साइड आ गया। अब नहीं, हो गया फाइनल। ठीक है क्लियर? जी सर, यस। जो i2 है दैट इज अ रियल इमेज, इट इज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज, सो लाइक हाउ विल द हाँ लाइट अगेन गेट एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, वो कैसे होगा? बेटा, वहां पर एक छोटी सी एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन लगाएंगे तो स्क्रीन पर इमेज बनेगा, समझ में आया? ओके वहां पर एक स्क्रीन लगानी सर पड़ेगी। हेलो सर, स्क्रीन के बिना हाँ नहीं जी, हो सकता नहीं ना? रियल इमेज स्क्रीन के बिना नहीं दिखाई देते ना, स्क्रीन लगानी ही यस ओके पड़ेगी। ठीक है सर। एंड अगर मेरे जो 60 सेंटीमीटर आया i2, लाइक इफ दैट इज बिहाइंड द मिरर, तो हाउ इज लाइक दैट गेटिंग रिफ्लेक्टेड, मतलब बिहाइंड द मिरर, बट बेटा एक बात तो सुनो, यहाँ पर है ये इमेज, इधर कहीं बन गया ठीक है। अभी बिहाइंड द मिरर का क्या मतलब है? बिहाइंड का मिरर, द मिरर इमेज बन रहा है मतलब लाइट रेस कुछ इस तरह से आ रही होंगी, लाइट रेस कुछ इस तरह से आ रही होंगी कि वो आगे एक्सटेंड करने पर इस जगह इमेज बनाती है, समझ में आया? तो बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही तो जाएगी, आर यू गेटिंग? अच्छा, ओके तो सर, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी तो इधर कहीं इमेज बनाएगी। क्लियर? यस सर, गॉट इट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ था? सेकेंड वाले केस में बेटा लेंस से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी कि यहां से 20। ठीक है बेटा, इसका फिर इमेज बनेगा i3, तो वो आपको बनाना था। ओवर। बच्चा लोगों को समझ में आया? और लास्ट वाले केस में क्या हुआ था? तो वो यहां से 20/3, तो यहां से 100/3 डिस्टेंस पर था। ओके फिनिश, खत्म। कैन यू प्लीज शो द अपर पार्ट? बेटा आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला होगा कि मतलब वेयर द इमेज विल फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में? सबसे पहले लेंस से इमेज बनाना है और उसके बाद मिरर से इमेज बनाना है, तो i2 ही उसका आंसर हो जाएगा, i2 की पोजीशन ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको फाइनल इमेज बोलने मतलब फाइंड करने के लिए बोले तो ऐसे करना है। ठीक है ओके दोस्तों, सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो लाइट लाइट विल कन्वर्ज ना ओवर हियर। हाँ बेटा लाइट विल कन्वर्ज। हाँ सर, यस तो फिर जो आपने जैसे बताया कि जैसे मिरर पे जैसे हिट होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, वो यहाँ पे कैसे होगा? हाँ बेटा, लाइट रेज कभी भी, यदि देखो लाइट रेज ना इस तरह से जाए तो ऐसे आती है, एक मिनट, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आती है। ठीक है ऐसे, लेकिन बेटा वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? आप ये समझ लो कि लेट्स से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ऐसे, तो इसका मतलब कहीं से लाइट रे इस तरह से आ रही होगी। ठीक, जस्ट अ मिनट दोस्तों, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ अज्यूम कर सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग
या काफी ठीक है, काम कर उसको हम लोग बिहाइंड द मिरर अज्यूम कर सकते हैं। तो बिहाइंड द मिरर यदि आप ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते हो तो ऐसी कंडीशन में लाइट रेस इसी से आती हुई दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कहीं इमेज बन रहा होगा यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा। तो आप ये समझ लो कि यहाँ से आती हुई फील हो रही है, इसका मतलब लाइट रेस कहाँ से आ रही है, एक्चुअल में वो कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, ऐसा समझ लो। और तो इस जगह इनफिनाइट से से हम नहीं आ लोग, रही ना, कॉन्वेक्स में तो से रिफ्रैक्ट होकर आ रही है ना, कॉन्वेक्स हाँ नहीं हाँ सॉरी इनफाइनाइट सॉरी। से नहीं, बट बेटा वो वर्चुअल इमेज बन रहा है ये समझ लो। हाँ अरे यार उसके लिए बहुत दूर है ना एक तरह से, ये बोल सकते हैं ना बेटा। अरे तुम ये समझो कि लाइट रेज इनफाइनाइट से नहीं, उस लेंस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यहां से आने के बाद क्या हो गई, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। समझ में आया मेरी बात, समझ रहे हो क्या? लेंस से यस लाइट रेज कुछ इस तरह से आई। ओके सर, तो लेंस से कन्वर्ट होगी, देन वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन हम फिर वापस करेंगे। हाँ ठीक है, इतना समझ आया ना। देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ लेंस था, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस तरह से गई, इधर कहीं इमेज बनाना है इसको, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी मान लिया कि यहाँ पर, बट हो क्या रहा है, यहाँ पर रखा है मिरर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ से लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ का इमेज बनाएगी। क्लियर? यस। यस सर, तो आप समझ लो कि ऐसे कुछ होगा, मतलब एक ये वाली लाइट रे यहाँ से, सर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई यहाँ, ये वाली लाइट रे यहाँ, तो फाइनली यहाँ पर इमेज बनेगा, और फिर इससे फिर से रिफ्लेक्शन होके और इस तरफ का इमेज बनेगा, ठीक है, ओके इस सर। तरह। चलिए दोस्तों, तो ये हो क्या, इसीलिए मैं बोल रहा था कि हर चीज का रे डायग्राम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम सारी चीजें फॉर्मूला से ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क अस द रे डायग्राम, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ओके आपको क्या करना है, देखो बेटा एक लेंस है, हाँ बेटा ऊपर पार्ट दिखा रहा हूँ, है ना, एक मिनट, लेंस के सामने एक मिरर रख दिया हमने, और इस बार मिरर कॉन्वेक्स टाइप का है, ठीक है, तो एक पॉइंट एस है, और इट इज एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा यहां पर आप समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे दो एस, और ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, और फिर आपको बोला है कि लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है उस मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि वेयर शुड दिस मिरर बी प्लेस्ड सो दैट इमेज फॉर्म्स ऑन द सोर्स इटसेल्फ। ओके तो व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑफ मिरर सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म्स एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी के ऊपर जाकर इमेज बन जाए, ठीक है बेटा जी। इस क्वेश्चन को नोट करके अपना दिमाग लगाओ। हाँ पहले अपर पार्ट कहाँ तक ले जाना है बेटा, इसको सर सॉल्यूशन दक्ष सॉल्यूशन यहाँ से, हम मिरर से यस। हाँ जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेंस वाला दिखा दो ना प्लीज।
गया? गुड। सर। अच्छा बच्चा लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना? हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स, यहाँ पर हैंड रेज करने का ऑप्शन है ना? नहीं, ओके, नहीं। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पर फाइनल इमेज की पोजीशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? ये एक हिंट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? आपको इतना याद है ना बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि 2F है ना, यानी कि 2F पर रखा होता है तो उसका इमेज वापस उसी जगह पर बन जाता है, राइट? लेंस से 2F डिस्टेंस पर यदि ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज भी 2F डिस्टेंस पर ही बनता है। और मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन करा देना है लेंस में, पोजीशन इमेज के आ जाएगी, इमेज की पोजीशन आ गई, उसके बाद मिरर को इतनी डिस्टेंस पर लेकर जाना है कि क्या हो 2F यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन पर क्या बन रहा हो, लेंस मतलब ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना? यदि ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो उसका इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनता है, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि रखा हो ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, लाइट रेस नॉर्मल होती है, और नॉर्मल होती है तो वो रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। इतना हिंट दे दिया मैंने, अब आपको सॉल्व करना है, जल्दी से ट्राई करो। सर इसके लिए हमको बेसिकली वो आप, प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत है ना जो बुकलेट में दिया। हाँ बेटा, यस, ओके मैंने जो लिखवाया है, मैंने जो पढ़ाया है, सब उसी पर बेस्ड है, ठीक है? चलिए सॉल्व करें बेटा। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, देखो एक लाइट रे यहां से स्टार्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी और इमेज बनाएगी दूसरी तरफ, ठीक है? लेकिन क्या है कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि मिरर को मैंने ऐसी पोजीशन पर सेट किया कि लाइट रेस जो है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से अपने पाथ पर लौट जाए, फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, और नॉर्मल इंसिडेंस हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि लाइट रेज जो है वो नॉर्मल के अलोंग जाए। तो बेटा ये देखो, यहाँ से ये लाइट रेज यदि नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो फिर वो कहाँ जाकर इमेज बनाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 2F, 2F का मतलब कितना होता है, 12 × 2 = 24, ठीक है? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन अब क्या होगा,
लाइट रेस देखो नॉर्मल के अलोंग आ रही है ना यहाँ पर, तो फिर से ये अपने पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, तो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जहां पर ऑब्जेक्ट था उसी जगह पर इमेज बनाएगी। क्लियर आई बात समझ? तो मतलब आपको ये समझ में आया कि लेंस की और ये इमेज की पोजीशन, इसको अपन बोलते हैं वी, है ना? और वी कितना होना चाहिए? तो बेटा वो 24 प्लस एक्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में अपन, ये एक्स की वैल्यू ही अपने को फाइंड करनी है एक्चुअली, है ना? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को अपन ने एक्स बोल दिया कि लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी, उसको हमने एक्स मान लिया। ये 24 का हिसाब कैसे लगाया? हमने अपने कॉमन सेंस से, अपने पुराने ज्ञान से, है ना, अपने पुराने नॉलेज से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अप्लाई कीजिए लेंस से रिफ्रैक्शन। तो 1/v - 1/u = 1/f, है ना? क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे ही मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/v - 1/-15, है ना, = 1/10 इस तरफ आया और इसको सॉल्व किया तो 1/v = 1/15, वो भी नेगेटिव वाला, +1/10, दोनों को सॉल्व किया तो ये आएगा 30, v = 30। हाँ जी बेटा, +30 आ गया, मतलब आप ये समझ लो कि v की वैल्यू +30 आ गई। कितनी आ गई? 30। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि v +30 एंड फॉर द रेस टू रिट्रेस इट्स पाथ इमेज फ्रॉम द लेंस शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। समझ में आया? तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पर यदि इमेज बन रहा होगा, लेंस का इमेज वहां पर बन रहा होगा लेंस से, है ना, तो इसका मतलब लाइट रेस अपना पाथ वापस क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। तो आपको एक बात पता है क्या कि v = x + 2f, है ना, या फिर x + r लिख सकते हो आप, दैट इज v = x + r। ओके, v की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 30, x की वैल्यू, और ये 2f है, 2f मतलब 2 × 12 यानी कि 24, बेटा x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। तो मतलब क्या आया? मतलब ये है कि मिरर और लेंस के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिरर शुड बी प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर राइटवर्ड फ्रॉम द लेंस। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? ओके दोस्तों, आहान समझ में आया? यस, तो क्वेश्चन इज सिंपल, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, लाइट रेज यदि नॉर्मली इंसिडेंट होती है ना मिरर पर, तो बेटा वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, फिर से उसी पाथ पर लौट जाती है। ठीक है ना, क्योंकि 0° हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 0° विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस रास्ते से आया उसी पर लौट जाएगा। डन सर, अगर मिरर के पहले इमेज बनता है क्या होता है? बेटा अपने को देखो, मिरर से पहले इमेज बन जाता तो जैसे मतलब फिर आपको यू नेगेटिव लेके इसको करना पड़ता है ना, यू आपको नेगेटिव लेके करना पड़ता, तो फिर ऐसा आता ही नहीं आंसर। ठीक है, फिर आंसर नहीं आता। ठीक है, खाली एक कंडीशन पॉसिबल है ना आपको, सिर्फ एकमात्र कंडीशन पॉसिबल है कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा उसी पर इमेज बनाना है, तो सिर्फ यही एकमात्र कंडीशन पॉसिबल है कि रेज अपना पाथ रिट्रेस कर जाए। ठीक है, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इसमें डायग्राम ये वाला ड्रॉ कर लेना प्रॉपरली, है ना, ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ क्या है। हाँ जी, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर आप अच्छे से इसको कॉपी कीजिए, अच्छे से लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बेटा ये वाला तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये तो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ यदि यहाँ पर कॉन्केव लेंस होता तो भले ही हम लोग क्या बोलते, तो फिर ये डिस्टेंस मतलब आप समझ रहे हो, ये फिर यहाँ पर रियल इमेज बन सकता था, है ना। ठीक है, तो फिर आंसर कितना आता, यहाँ से यहाँ तक 30 आया ना, तो 30 प्लस 24। थर्टी प्लस 24 आता आंसर, यानी कि 54 आंसर आता है यदि यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर रखा होता तो। यहाँ तो कॉन्वेक्स रखा है, कॉनकेव रखा होता तो पक्का 54 आंसर आता। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको कुछ इस टाइप का लेंस दिया है हमने, ठीक है, और हमने बोल दिया बेटा कि इस तरफ वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो है 10, और बेटा ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है तो ये 20। ठीक है, और कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें इसका, तो लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इस लेंथ। हाँ, फाइंड फोकल लेंथ सर ये ऑफ द सारे लेंस। जो नंबर्स होते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं ना। हाँ बेटा, ओके सारी चीजें पोल से लेते हैं, ठीक है, वही बात है बेटा, बहुत थिन लेंस है ना, इसलिए तो हम पोल ऑप्टिकल सेंटर एक ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। ओके ओके बेटा इस ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था यही वाला आपको कॉनकेव के लिए करना है, तो क्या करोगे, कॉनकेव के लिए यदि आप करना चाहते हो तो ऐसे करोगे, देखो लाइट रेस जाएगी लेंस से, यहां से रिफ्रैक्ट होगी, इमेज बनेगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया इमेज। तो ये कहाँ पर बन रहा था बेटा, ये 15 दिया था और इमेज आपका यहाँ से 30 पर बन रहा था। अब बेटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक रियल इमेज मिल रहा है, तो उसके लिए आप यदि कॉनकेव मिरर रखा होता तो हम लोग यहाँ पर कॉनकेव मिरर ऐसे रख लेते। तो बेटा कॉनकेव मिरर में यदि इसको 2f यानी कि r के बराबर डिस्टेंस पर रखोगे तो फिर से क्या होगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर इसका इमेज वापस इसी जगह पर बना देगी, है ना, याद है ना आपको, राइट, तो फिर से इसी की जगह पर बनेगा, तो फिर से रेज रिट्रेस होकर और जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह फाइनल इमेज बनेगा। ओके दोस्तों समझ आ गया, तो सर कॉनकेव मिरर कौन होता तो 30 प्लस r, 30 प्लस r यानी कि 30 प्लस 24, तो 54 आंसर आता, पर यहाँ तो कॉन्वेक्स रखा था इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होगा ना लाइट फॉर्म मतलब इमेज क्या बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नीडेड नहीं है ना रिट्रेस करने के लिए पाथ। क्यों बेटा, बिल्कुल, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर हो गया बेटा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, ये लाइट रे जा रही है ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी इसी के ऊपर आ जाएगी, यहां से लाइट रे जा रही है देखो ऐसे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी जगह आ जाएगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल के डायरेक्शन है तो नॉर्मल के अलोंग ही जाती है, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, तो वापस इसी जगह पर आ गई, क्लियर, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी के ऊपर जाकर ओके इमेज बन जाएगा। ओके सर यस यस तो यह स्क्रीन पड़ा होगा ना और फिर वापस हाँ बेटा, रिफ्लेक्ट। ओके सर कॉनकेव लेंस हुआ तो कॉनकेव लेंस हुआ तो फिर नहीं चलेगा ये सब, है ना, फिर वो अलग ही हो जाएगा बेटा, तो इसलिए कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया जाता है जनरली, ठीक है। सर कैन यू स्टॉप बट
हाँ क्या हो बेटा, अपर पार्ट ये कहाँ बाकी रह गया बेटा? चलो ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए ये वाला लेंस। लेंस की फोकल लेंथ कितने लोगों ने फाइंड कर ली? हाँ जी हो गया। चलिए तो हम लोगों को ये लेंस सॉल्व करना है, कितने लोगों ने इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर ली है? ओके नाइस, बिल्कुल सही जवाब। या तो आप लोगों को पता है तो आप क्या करोगे, चाहे लेफ्ट में खड़े हो जाओ चाहे राइट में, कुछ कहीं भी खड़े हो जाओ आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से सब ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 × 1/r1 − 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। चलिए वैल्यू रखिए, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी कि 1.5 − 1 × देखो दोनों का सेंटर जो है वो राइट वर्ड ही आता है, तो दोनों का सेंटर यदि राइट वर्ड आता है तो मतलब R1 भी पॉजिटिव और R2 भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/10 − 1/20, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/10, 1/20 आ रहा है, तो 1/2 × 1/20 है ना, 1/2 × 1/20, ये आ गया आंसर आपका, F इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ आया? दैट्स ऑल। तो यही सर सिंपल एक सा प्लस हो फॉर्मूला जाएगा यूज ना, करके बेटा प्लस क्यों हो जाएगा, प्लस क्यों हो जाएगा बेटा? R1 भी पॉजिटिव आएगा और R2 भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों के सेंटर राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, यस। यस वेरी गुड, आगे बढ़े। तो बेटा आपको ना ऐसा बोला, तो ये तो क्वेश्चन है जो अपन बहुत पहले से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना चाहता था इसलिए दिया। बेटा मैंने बोला कि देखो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव थी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव थी। ठीक है, तो बेटा जो सेंटर है ना वो किस तरफ आ रहा है, सेंटर यदि मैं इसको कंप्लीट स्पीयर मानता तो सेंटर किस तरफ आता, राइट वर्ड आता ना, इसका मतलब सेंटर यदि राइट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब इसकी रेडियस को अपने को पॉजिटिव लेना है। समझ में आया? तो बेटा यहाँ पर देखो दोनों की रेडियस जो है वो इसी तरफ आ रही है ना, राइट वर्ड ही आ रही है, मतलब दोनों की रेडियस को आपको पॉजिटिव लेना है। क्लियर, समझ आ गया बच्चा लोगों? गुड। अब बेटा मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ऐसा क्वेश्चन किया है हमने क्या पता नहीं, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर या एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5/3, 5/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इफ द लेंस
इज डिप्ड इन अ लिक्विड, डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, देन फाइंड द फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ इन लिक्विड. ऐसा क्वेश्चन किया था क्या हमने पहले? हमने कर लिया, कर लिया तो फिर इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें? चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको. वी हैव डन द लगे हुए एक्सप्लेन अस व्हाट इज व्हाट डिफरेंस हैपेंस व्हेन वी पुट इट इन अ लिक्विड और विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके ओके या बट वी हैव सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट? नो राइट, वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट बट वी डिड नॉट डिस्कस द क्वेश्चन राइट. न्यूमेरिकल नहीं किया ना? थ्योरी पार्ट बेटा ओवर होने वाला है ना, हुआ नहीं है बट होने वाला है. फिर इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करना है. हाँ जी बच्चे लोगों, आए समझ? बेटा हो गया, बस एक कॉन्सेप्ट और बाकी है इसके बाद, है ना? या सो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? किसी को आया, किसी को मिला? या हम लोग लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इन एयर, इन एयर तो एयर का तो हम लोगों को पता है क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है आर वन आर टू कितना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस वन. बेटा क्योंकि रेडियसेस तो सेम ही रहेगी ना, रेडियस चाहे वो हवा में जाए चाहे पानी में सेम ही रहने वाली है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ इसको 1/r इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ, ठीक है ना? ऐसे लिख लेता हूँ ताकि अपने को बार बार 1/r1 - 1/r2 इतना नहीं लिखना पड़े, है ना? तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको कितना मिलता है बेटा, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है, देखो कितनी, 3/40 करेक्ट. हेलो, यहाँ पर 2/3 मिलेगी तो 3/40 आ जाएगा, ऐसा मिलेगा. नाउ इन लिक्विड, लिक्विड में जाने पर क्या होगा? लिक्विड में जाने पर हम जानते हैं 1/f is equals to mu relative minus 1 into 1/r1 - 1/r2. ओके, तो 1/f in liquid, या l नहीं लिखता हूँ, डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, is equals to mu relative. Mu relative क्या होगा? 5/3 divide by 2, है ना, minus 1, और यहाँ पर 1/r equivalent ऐसे लिख सकते हो आप. ओके, 1/r equivalent की वैल्यू यहाँ पर रख लो, क्योंकि कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 5/6 माइनस 1, और इधर मिलेगा आपको 3/40. ओके, इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो क्या मिलता है, 1/6, वो भी माइनस का, माइनस का 1/6 इंटू 3/40, तो 3 से इसको कैंसिल कर रहा, 2 टाइम्स आया, माइनस ऑफ 1/80 आ गया, है ना? तो f dash will be minus 80 centimeter. Clear? Very good. बिल्कुल सही है सिद्धार्थ. समझ पाए?
अच्छा लोगो, हाँ जी क्वेश्चन में दिया ना लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख चुका है ना, ये तो दे चुका हम लोग को। हाँ दे रखा है, तो वही तो मैंने यूज किया। हम लोग ने फिर वो एयर के दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 by F is equals to mu relative minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. पहले हवा में था, फिर पानी में डुबा दिया, तो हवा में उसका फोकल लेंथ दे रखा है 20, तो पानी में कितना होगा ये पूछा है। क्या आप सेकेंड स्टेप में 5 by 3 by 2 minus 1 कैसे है, आपको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना बेटा। रिलेटिव म्यू रिलेटिव कैसे फाइंड करोगे, म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू रिलेटिव इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, यही लिखवाया था। हाँ और मीडियम कौन है, मीडियम वो लिक्विड है, मीडियम कौन है वो लिक्विड, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 5/3 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये आ गया। समझ पाए? हाँ सर समझ गया। ओके आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अभी आगे बढ़े, नोट कीजिए इसको जल्दी से और फिर हम आगे बढ़े। ओके डन, चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने बेटे। दो लेंस है, लेट्स से इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसका भी 20 सेंटीमीटर, दोनों का 20-20 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो ले लो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जल्दी से। Yes, दोस्तों फॉर्मूला याद है, लिखवाया था ना कल, क्या था, 1 by F equivalent is equals to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D upon F1 F2, याद है। 1 by F1 means 1 by 20 plus 1 by 20 minus D मतलब 60, और यहां पर आ जाएगा 20 into 20, right? तो कितना आ रहा है बेटा, ये दोनों ऐड हुए तो 2/20 आ गया, और यहाँ 20 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आप माइनस ऑफ 3/20 लिख सकते हो, सो आंसर इज माइनस ऑफ 1/20, क्लियर। तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -20, गॉट इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइट रेज पर इंसिडेंट होती है एट एन एंगल
60 डिग्री पर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो आपको रूट थ्री के बराबर गिवन है, रूट थ्री दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइट रेज जो है वो बाहर निकलेंगी, तो निकलेगी बाहर तो देयर विल बी अ लैटरल शिफ्ट, सो फाइंड द लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज, लैटरल शिफ्ट ऑफ द रे या इमरजेंट रे, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, चलिए जल्दी से बताइए। तो ये जब बाहर निकलेगी तो इमर्जेंट रे भी कितना बनाएगी, 60 डिग्री एंगल ही बनाएगी, राइट। बट इन दोनों में एक पैरेलली शिफ्ट हुआ, वो पैरेलल शिफ्ट फाइंड करना है आपको। ठीक है जल्दी से बताइए, एनीबॉडी डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दू, क्या था फॉर्मूला? याद आया? T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, यस और नो? यस। अब कैसे फाइंड करें, तो बाहर एयर से उस मीडियम में एंटर कर रही है ना, तो 1 साइन I इज इक्वल्स टू म्यू साइन R, ठीक है ओके। तो इसकी वैल्यू है रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री साइन R, तो बेटा यहाँ पर साइन R की वैल्यू आ गई 1/2, इसका मतलब R की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, R की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो चलो रख लो इस फॉर्मूला में, तो ये तो है 6 सेंटीमीटर इनटू साइन I, I मतलब 60 डिग्री, R मतलब 30 डिग्री, डिवाइड बाय कॉस R मतलब कॉस 30 डिग्री, ठीक है ओके। तो बेसिकली ये साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री बन गया, तो मतलब 6/√3 है ना, तो ये आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, दिस इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज, क्लियर? समझ में आया? तो पैरेलली इतनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगी। हाँ बेटा आप इसको डेल्टा एक्स लिखो चाहे डेल्टा टी लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है। रेज इतना पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी, ओके क्लियर? सो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, सो व्हाट डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा टी का? क्या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हाँ बेटा वो एक ही चीज, अरे सिंबल कुछ भी यूज करो, आपको तो लेटरल शिफ्ट फाइंड करना है ना, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा एक्स लिख सकते हो, डेल्टा टी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस सिंबल से, ठीक है। हेलो सर, लेटरल शिफ्ट डेल्टा टी है और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ऑब्जेक्ट है नहीं बेटा, एक रे है सिर्फ, बेटा रे है सिर्फ, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन okay. नहीं सर, ऐसे जनरली हाँ 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 या यदि ऑब्जेक्ट का शिफ्ट है तो फिर वो हाँ हाँ यस, तो वन माइनस वन बाय म्यू इनटू टी, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट रखा होता और ऑब्जेक्ट का शिफ्ट पूछते, मतलब इमेज का शिफ्ट पूछते, तो क्या बोलते हम लोग बोलते वन माइनस वन बाय म्यू इनटू टी, अलग चीज है बेटा, दोनों अलग चीजें हैं, ये लैटरल शिफ्ट है ठीक है, और वो वाला शिफ्ट ऑफ इमेज है, ओके? ये दोनों कंप्लीटली अलग चीज है,
ओके दोस्तों, समझ आया? चलिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई और मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए बेटा, यहाँ पर एक लेंथ है, लेट से इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा लेंथ रखा है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट दिस पोजीशन, लेट से दिस डिस्टेंस इज 20 ले लो, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। या फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, कोई मिरर नहीं है, सिर्फ दो लेंस है। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। इमेज का पोजीशन क्या होगा? तो आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग यहां पर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। आप पहले फर्स्ट लेंस में इमेज से इमेज बनाओगे, फिर जहां पर इमेज आता है उस इमेज को आप सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मानकर फिर से उसका इमेज बनाओगे। ठीक है, समझ आ, एक काम करो बच्चों, सुनो, इसको 40 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, ये दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 40 सेंटीमीटर ले लो तो अच्छा होगा, है ना? 40 ले लो। सॉल्व करो बच्चों। बेटा दोनों लेंथ के बीच का गैप मैंने इंक्रीज किया, मैंने 40 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, दोनों लेंथ के बीच का जो गैप है मैंने 40 सेंटीमीटर रखा है। सो आई थिंक दिस टाइम वुड बी सफिशियंट, विल चेक नाउ। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट लेंस को ले लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर ऐसा डाल देंगे, u की वैल्यू -20 और f की वैल्यू बेटा 1/10, है ना? बेटा 1/v इज इक्वल टू 1/10 और ये इस तरफ आया तो -1/20। बेटा यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/20, क्लियर? यानी कि v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। यदि पहले मैं गैप 20 सेंटीमीटर ही रखता तो कहाँ बनता बेटा? एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेकेंड लेंस, है ना? ऐसा तो अभी वैसा नहीं है, अब थोड़ा डिफरेंट है बात। तो मैंने 40 सेंटीमीटर इसीलिए कर दिया। तो बेटा यहां से आप क्या करोगे, इसका इमेज बनाओगे तो यहाँ कहीं बनेगा, है ना? और वो यहाँ से कितना, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो बेटा सेकेंड लेंथ से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। तो अब उसका इमेज कहाँ बनेगा? बेटा उसके फोकस पर है ना?
फोकस पर, सेकंड लेंस के फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए बोलो? यस इनफाइनाइट पर, नाउ फॉर सेकंड लेंस u इज इक्वल्स टू माइनस 20, f इज इक्वल्स टू प्लस 20, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f, तो लगाओ यहां पर दोनों कैंसिल हो गए, v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि लाइट रेस जो है वो पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हो ना, यहां से लाइट रेस आई फिर क्या हो जाएगी इस लेंस से, सेकंड लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा, ओके आंसर दैट्स इट, ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्यूशन, अरे हर्षिल मैंने 40 सेंटीमीटर कर दिया ना, हर्षिल मैंने वैल्यू चेंज कर दी बेटा, 40 कर दी, ठीक है 40 सेंटीमीटर कर दी है, तो अब वो सेकंड लेंस पर नहीं बनेगा, जब पहले 20 रखा था ना यहाँ पर तब सेकंड लेंस पर बनती थी, तो वो उसी जगह ही बनेगा, फिर उसका कुछ कर नहीं सकते थे, अब यहाँ पर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर है तो अब इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा, हाँ जी, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आपके पास एक लेंस है जो कि ऐसे छोटे छोटे लेंसेस से मिलके बना हुआ है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे फाइव पार्ट्स है इसके, ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट को मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, सेकेंड वाले को मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, थर्ड वाले पार्ट को मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, फोर्थ वाले पार्ट को मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, और ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको फिफ्थ वाले पार्ट को सेम एज द टॉप वाला, बेटा ये वाला है म्यू वन, तो ये वाला भी है म्यू वन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, इसका म्यू थ्री, और इस वाले का म्यू फोर, मतलब एक ही लेंस है लेकिन उसको छोटे 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 मतलब हम बोल सकते हैं कि पांच टुकड़ों से बनाया है, ठीक है, जिसमें बीच वाले तीनों का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ऊपर और सबसे नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है, इस तरह से इसको बनाया है, तो यहाँ पर मैं इसकी क्लियरली बाउंड्री आपको पता चले इसलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ऊपर फिर यहां तक, फिर यहां तक और फिर यहां तक, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, हाँ जी, तो आपसे यही पूछा है कि फाइंड द हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, कितनी इमेजेस बनेगी ये आपसे पूछा है, यस आंसर बताइए, कितनी इमेजेस बनेगी बेटा, कॉमन सेंस यूज करके बनाओ, बनाओ मत बताओ, खाली ऑरली आंसर बता दो इसका, जीरो नहीं, 1/20 - 1/20 = 0।
वन बाई जीरो नहीं, जीरो लेकिन यहाँ पर हम इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, राइट? हाँ, यस, इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड ही होता है. ओके, या अनडिफाइंड इन मैथ्स, राइट? व्हाट बेटा? हाँ, दैट इज इन मैथ्स, करेक्ट. यस 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 बेटा, एक्चुअली इनफाइनाइट खुद ही अनडिफाइंड होता है. नो वन नोज इनफाइनाइट. मैंने तो कभी नहीं देखा. आपने कभी इनफाइनाइट देखा है? कभी इनफाइनाइट गए हो? ये मत बोलना कि सर हमारे पास एक कैफे और एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम इन्फिनिटी है. हाँ, हम नहीं देख सकते, राइट? तो मैथ्स में ही अनडिफाइंड यूज करते हैं, फिजिक्स एंड ऑल में हम. एक ही बात है बेटा, एक ही बात है. तो अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी. समझ आया? ओके सर. तो बेटा यहाँ पर हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए जल्दी से. यू हैव ओनली 30 seconds. यस, सबसे ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, सबसे नीचे वाले का भी म्यू वन, फिर म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर. वेरी गुड, आंसर इज 4. कितने? 4 इमेजेस बनेंगे. बेटा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट तो लेंस विल बिहेव डिफरेंटली, यानी कि उसका फोकस अलग होगा. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट, इन दोनों की वजह से जो इमेज बनेगा वो सेम पोजीशन पर बनेगा. म्यू टू की वजह से अलग पोजीशन पर, म्यू थ्री की वजह से अलग पर, और म्यू फोर की वजह से अलग. तो टोटल यहाँ पर 4 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब टोटल 4 इमेजेस बनेंगे. दैट्स ऑल, आंसर फिनिश, खत्म. सर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कैसे दिखेगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं. यहां से एक लाइटर गई, यहाँ पर बन रहा है इमेज, यहाँ से एक लाइटर गई, यहाँ पर बनेगा इमेज, इस वाली से इधर कहीं इमेज बनेगा, इस वाली से इधर कहीं इमेज बनेगा, ठीक है? मतलब वो डिपेंड्स ऑन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट वाले और लास्ट वाले से सेम पॉइंट पर बनेगा, बाकी सबसे अलग अलग पोजीशंस पर बनेगा. सर, जहाँ पे दोनों रेज मीट भी करेंगे वहाँ पे? हाँ, ये नहीं, सपोज टू डिफरेंट एरियाज के रेज मीट करें, वहाँ पे भी इमेज बनेगा ना? नहीं बेटा, एक्चुअली बनेगा, लेकिन दैट विल नॉट बी द फाइन इमेज, ठीक है? और वो मीट नहीं करेगी, ठीक है? वो एक दूसरे को क्रॉस करके जा सकती है, बट नॉट एग्जैक्टली दे विल मीट. ओके, आपको परफेक्ट इमेज की बात करें तो वो सिर्फ 4 ही मिलेंगे, ठीक है? You can consider these like lenses as point objects, so there is a difference in length between them. Yeah, ठीक है, आप इसको point object मान लो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता. परफेक्ट इमेज की बात करूँ तो 4 होंगे, ठीक है? So like what is a perfect image? आप ये समझ लो कि ये 4 इमेज बनेंगे बेटा. परफेक्ट परफेक्ट छोड़ो, आप ये समझो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और 4 इमेजेस बनेंगे. जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने लेंथ और उतने ही फोकस और उतने ही इमेजेस, सिंपल, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट से जब आएगी रेज वो लोग भी तो कन्वर्स कर ही सकते हैं. तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबका फोकस अलग होगा ना बेटा, सबका फोकस अलग होगा. ओके, सबका फोकस अलग होगा तो वी सबके लिए अलग होगा. बेटा लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा ना आपको, ठीक है? ओके सर. हाँ, लेंस फॉर्मूला पता है ना, म्यू रिलेटिव माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. तो आर वन आर टू तो सेम ही है, लेकिन म्यू सबके लिए अलग अलग आ रहा है, तो फोकस अलग अलग, फोकस अलग अलग, तो वन बाई वी माइनस वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई एफ. तो ऑब्वियसली वी भी अलग अलग आ जाएगा, तो अलग अलग जगह इमेजेस बनेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल. तो नेक्स्ट लास्ट फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट,
बट यहाँ पर एक और चीज लिख लेते बेटा, रुको, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, मैं उसकी हेडिंग भूल गया, शायद उसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं ना, एक मिनट, यदि मुझे वो चीज मिल जाती है, मुझे इसकी हेडिंग नहीं याद आ रही, न्यूटन्स फॉर्मूला है शायद, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, बट उसको न्यूटन्स फॉर्मूला ही बोलते हैं, लेट मी चेक वन, दिया ही नहीं है, ठीक है मैं अपने से ही बता देता हूँ फिर, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ही है वो, चलेगा कोई नहीं, Not that much important, but ठीक है, पढ़ना है उसको, तो इसलिए मैं लिखवा देता हूँ न्यूटन्स फॉर्मूला, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ कहीं तो नहीं गिवन है, ओके ठीक है, तो मैं खुद से ही बता देता हूँ, ठीक है बेटा, क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे कि कोई लेंस है, यहाँ पर आप लिख लो बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस, ना न्यूटन ने कुछ इस तरह से बोला कि आपके पास कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ले लो लेट से, और ये है ऑब्जेक्ट, तो जनरली ना अपन क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग लेते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे बेटा कि ये जो है यहां पर क्या होता है, फोकस होता है, इधर भी एक फोकस होता है, ठीक है, तो आपको ना फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकस से इमेज की डिस्टेंस को लेना है, समझ में आया, तो लेट से ये फोकस है, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ले लो और फोकस से इमेज की डिस्टेंस ले लो, तो लेट से यहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेट से एक्स है और फोकस से इमेज की डिस्टेंस लेट से वाई है, then x y is equals to focal length ka square, this is the newton's formula, okay, but yahan par focus se distance hoti hai, theek hai, yahan par x kya hai, distance of image from the focus, distance of image from the focus, to beta kisi question mein aapko फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकस से इमेज की डिस्टेंस दी हो और आपसे पूछा हो कि फोकल लेंथ कितना होगा, तो आप यही फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है, इसमें कोई साइन करने करने की जरूरत नहीं है, क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the focus, and ये है distance of image from the focus, और f focal length है ही, आप सबको पता है f is what, focal length, ठीक है, तो इस चीज को copy कर लीजिए, देखो ये सिर्फ इसी condition में use होगा और कहीं नहीं, ठीक है, एक्चुअली एक मिनट रुको दोस्तों, रुको, यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी, हम लोगों को नियरेस्ट फोकस लेना है, लेट्स से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फिर पता चलेगा, एक मिनट, हाँ लेट्स से एक लाइट रे ऐसे पैरेलल भेज दूँ,
फोकस से पास होके ऐसे जाएगी, और एक लाइट रही थी मैं फोकस से ही पास करवा लू वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो बेटा यहाँ पर एक फोकस है और यहाँ पर भी एक फोकस है, दोनों ही तरफ होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस वैसे तो यू होती है, और यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस वैसे वी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो यदि इस चीज को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस वैसे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, दोनों फोकस की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है ना, या और ये सब जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए ये फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए लेंस फॉर्मूलाज वगैरह डेवलप किए गए बाद में, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर इसको इस वाली डिस्टेंस को है ना, हाँ ये गड़बड़ नहीं होगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो बेटा इसको आपको लिखना है एक्स वन, या फिर सॉरी इसको आपको लिखना है एक्स, और इस वाले फोकस से डिस्टेंस को आपको लिखना है वाई। अब ठीक है बेटा, अब परफेक्ट है, यस यस यस, ठीक है ना, पहले जो लिखा था वो गड़बड़ था, अभी सही है, ऐसा कर लो बेटा, ठीक है। अब परफेक्ट है बेटा, आपको पता है ना हर एक लेंस के दो फोकस होते हैं, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो राइट साइड फोकस होगा, राइट साइड से देखोगे तो लेफ्ट साइड फोकस होगा। साइन कन्वेंशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील करनी है ना। तो बेटा यहाँ पर साइन कन्वेंशन वगैरह इन सबको यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली इसको करते हैं। तो ये बस ये ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं, जब आपको फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हो और फोकस से इमेज की डिस्टेंस दी हो तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, समझ दैट्स ऑल। ओके दोस्तों, समझ आया, देखो यहाँ पर पोल से डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर फोकस से डिस्टेंस है, हाँ पहले बता रहा हूं। चलिए सो दोस्तों आगे बढ़े, नोट करो इसको जल्दी से, दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। अब एक लास्ट फुल एंड फाइनल, नो बेटा साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो वो प्राइमरी स्टेज में दिया था बस हो गया, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। या अब लास्ट यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फ्रॉम the nearest focus of a lens is इसको हम लोग ले लेते हैं, ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड फोर्टी एट सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find focal length of the lens.
यस दोस्तों, फोकल लेंथ फाइंड करके बताओ जल्दी से। तो आपको सब कुछ गिवन है, आप लिख लो एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 48, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। 12 इंटू 48 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। राइट, 24 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ गए राइट, रूट ऑफ 12 इंटू 48 इतना है, 24 के बराबर। वेरी गुड, चलिए अब लास्ट बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा बोलो। रूट का प्लस एंड माइनस दोनों आता है ना, लाइक मतलब वो फिर क्या लेंगे? अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है बस, ठीक है? ओके तो इस वाले में कुछ था नहीं, बस ऐसी सिंपल सी चीज थी। अब नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड, द लास्ट फुल एंड फाइनल, ठीक है? इसको नोट कर लो जल्दी से। So, दोस्तों ये सारा कुछ हो गया, अब एक लास्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड और बचा है। वो अब लास्ट एक डिस्प्लेसमेंट मेथड बचा है जो 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का टॉपिक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड और कर लेते हैं, देन रे ऑप्टिक्स अपना खत्म, ठीक है? अब बेटा इसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो आप, सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला आप नहीं कर सकते। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वैसे तो हम लोग अलग टॉपिक काउंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको रे ऑप्टिक्स में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स की बात करें तो अपना कंप्लीट हो चुका है, और जस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बाकी है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में अभी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? सो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से आप नोट कर लिख लीजिए फटाफट। यहाँ पर फोकल लेंथ, ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही है ना, इसलिए द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है? तो बेटा ये टॉपिक लास्ट है, ये नोट कर लीजिए। ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, ठीक है ना, कॉन्केव के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें रियल इमेज बनना जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन होती है। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कि एक इस तरह से हमने एक स्क्रीन ले ली, लेट से दिस इज स्क्रीन, मान लिया कि ये क्या है, स्क्रीन है, और इस तरफ एक ऑब्जेक्ट रख लिया या फिर एक कैंडल जला ली, ऐसा समझ लो कि आपने एक कैंडल जला ली इस तरफ, ठीक है? कैंडल की पोजीशन फिक्स है, कैंडल की पोजीशन फिक्स है, स्क्रीन की पोजीशन भी फिक्स है, ठीक है? ओके, अब आप क्या करते हो बेटा, आप यहां पर लेंस रखते हो, है ना? तो बेटा आपको एक बात पता है कि आप यदि लेंस को आप इस कैंडल के पास से शिफ्ट करते हुए ले जाते हो, तो आपको इतना तो पता ही है कि यहाँ पर स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा दैट विल बी रियल इमेज। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी लेंस की जब क्या होगा, एग्जैक्टली स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगा, है ना, सिर्फ एक पोजीशन।
फिर और आगे बढ़ाया तो एक और पोजीशन आ गई जहां से भी लेंस का लेंस से रिफ्रैक्ट होने वाली रेज स्क्रीन पर क्या बनाती है, इमेज बनाती है। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 1/v - 1/u = 1/f, है ना। देखो यदि मैं क्या करता हूं, मैं यदि यहां से यहां की टोटल डिस्टेंस को डी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, डी। ओके, पहले मैंने लेंस को रखा एक पोजीशन पर यहां पर, तो मान लिया कि इसकी यहां से डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो बेटा इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस ए। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ कि इफ u इज इक्वल्स टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल्स टू ए बोल दें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना हो जाएगा बेटा, डी माइनस ए। सिमिलरली यदि मैं u को d माइनस ए ले लू तो देन इमेज विल फॉर्म, इमेज डिस्टेंस विल बी a। तो बेसिकली इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, d ही आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी दो पोजीशंस होंगी इस पूरी डिस्टेंस कैपिटल d में, यदि आप लेंस को मूव कराते हो तो ऐसी टू पोजीशंस होगी लेंस की जिनके लिए इमेज स्क्रीन पर बनता है। पहली पोजीशन हो गई कैंडल से ए डिस्टेंस पर लेंस रख लो, और दूसरी पोजीशन क्या हो गई, कैंडल से डी माइनस ए डिस्टेंस पर लेंस रख लो। दोनों ही कंडीशन में आपको इमेज दिखाई देगा, कहां पर, स्क्रीन पर। क्लियर? क्या आप इससे एग्री हैं? करेक्ट ना, ये सुनो सही, एक्सपेरिमेंट ही मतलब निकालने की, हाँ ये एक्सपेरिमेंट ही है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट ही है, है ना। अच्छा या सो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एज वी मूव द लेंस वी गेट टू पोजीशंस ऑफ लेंस for which image forms on the screen, बेटा आपको ये चीज समझ में आई, yes or no? ये आपको समझ आया मैंने क्या बोला है? हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पाए? वेरी गुड। तो बेटा ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि एक तो लेंस को यहां रख लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं यहां पर एक और इमेज बना रहा है ना, देखो दैट इज हम यहां पर सिर्फ इमेज से बनाते हैं, तो बेटा ये कैंडल होगी, ओके, यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पर स्क्रीन हो गई, ओके, और स्क्रीन पर इमेज दिखना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, दो पोजीशंस, एक तो ये पोजीशन हो गई और एक और पोजीशन ये हो गई, ठीक है, एक ही लेंस है, हाँ एक ही लेंस है। तो बेटा इसमें यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस होती है बेटा, ए डिस्टेंस होती है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस ए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से यहां तक यदि ये डी माइनस ए है तो ये वाली डिस्टेंस ए हो जाएगी, और इन दोनों ही कंडीशन में इमेज विल फॉर्म हियर, ठीक है, आई बात समझ। तो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन, वही लेंस है ना, उसी लेंस के लिए दो पोजीशंस हैं, और यहां पर ये वाली पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन। इन दोनों ही पोजीशन के लिए हमें ऐसा मिलता है, तो बस अपना काम तो हो गया। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। तो बेटा यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/v की वैल्यू है माइनस डी माइनस ए, यू की वैल्यू क्या रखोगे, सॉरी ये प्लस आएगा, या यू की वैल्यू क्या रखोगे, ये नेगेटिव रखोगे, माइनस ए इक्वल्स टू 1/f, ओके। बेटा इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस डी माइनस ए, और यहां पर इन दोनों का a इंटू या, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, d माइनस ए इंटू ए, क्लियर, एंड दैट इज 1/f।
बेटा ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा, जब ए से ए कैंसिल होगा तो सिर्फ डी मिलेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो डी माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ डी। क्लियर, आया समझ? यदि इसको प्रॉपरली यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखें बेटा डी ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो ए की कितनी वैल्यूज आ रही है, तो यहां से आप एक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ए स्क्वायर ये उस तरफ गया प्लस एफ डी माइनस ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं ना, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आप सभी को पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ए वन प्लस ए टू, तो वो दो पोजिशन हो गई, तो ए वन प्लस ए टू वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ बाय वन। सम ऑफ रूट इज माइनस एफ, सॉरी यहां पर इसको ऐसे लिखना था, मैंने गड़बड़ लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस ए डी इस तरफ आया तो प्लस एफ डी। यस, ए की फॉर्म में ना बेटा वेरिएबल कौन है, ए है, जैसे हम एक्स ऐसे लेते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, या सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स वेरिएबल होता था, वैसे यहाँ पर क्या है, ए वेरिएबल है। तो ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू डी, कितना मिल रहा है बेटा, ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू डी मिल रहा है, यस और नो? और वैसे भी मैंने आपको वो कॉमन सेंस से पहले ही बता दिया था कि एक पोजिशन हो गई ए और दूसरी पोजिशन हो गई डी माइनस ए, तो दोनों को एड करोगे तो आपको डी तो मिलेगा, यस और नो? सॉरी ये गलत लिख दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ एक मिनट। यस, ये कितना आएगा, ए का मल्टीपल दैट इज डी, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, यस, तो वो कितना आएगा, यहां पर प्लस एफ टी था, हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट मतलब ए वन इंटू ए टू एंड दैट इज इक्वल टू एफ डी। क्लियर, तो देखो सम ऑफ रूट मिल गया एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट आपको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चों इतना समझ में आया? एंड वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए वन की वैल्यू ए है तो ए टू की वैल्यू डी माइनस ए हो जाएगी, है ना, और यदि ए वन की वैल्यू डी माइनस ए तो ए टू की वैल्यू ए हो जाएगी, है ना, तो ये हमने ले लिया ऐसे। बेटा इन वैल्यूज को, हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों इसमें, बोलो दोस्तों, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अच्छा बेटा इस वाली इक्वेशन को यदि आप पकड़ लो, आपको यदि फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगी, ये फोकल लेंथ आ गई, कितनी आई बेटा, f is equals to d minus a into a divide by capital D. Yes or no? Hello? या फिर ये a position let से आपको नहीं पता है तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा इतना तो आपको समझ में आया, ये जो कुछ भी किया वो समझ में आ गया, इतना कॉपी करो पहले फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपको सर हमें, लेकिन पहले भी तो करते थे, हमको पूरा डिस्टेंस दिया होता था, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता था। हाँ बेटा बिल्कुल, यस सर, ये डायग्राम के ऊपर वाला पार्ट समझो कि मैं डिस्काउंट हो गया था अभी। बेटा इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये लेंस है, इसको आगे मूव कराते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन हमको यहाँ पर मिलती है जो कि ए डिस्टेंस पर होती है, तो उसके लिए इमेज कहाँ बनता है, स्क्रीन पर बनता है ना, तो टोटल डिस्टेंस यदि डी है तो इमेज डिस्टेंस हो गई डी माइनस ए। अब मैं लेंस को और आगे बढ़ाता रहता हूँ, तो बेटा एक सेकेंड पोजिशन हमें मिलती है जो कि कैंडल से डी माइनस ए डिस्टेंस पर होती है, उसके लिए भी इमेज स्क्रीन पर मिलता है, बेटा फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए। तो बेसिकली वी कैन से देयर आर टू पोजीशंस ऑफ द लेंस फॉर व्हिच वी विल गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो सर वो इमेज एक ही बनेगा स्क्रीन पे दोनों के लिए, क्या वो स्क्रीन पे इमेज एक ही पॉइंट बनेगा दोनों पोजीशंस के लिए? यस
बेटा स्क्रीन पर बनेगा, यस हाँ एक ही पोजीशन पर बनेगा, ठीक है। तो ऐसी दो पोजीशंस हो सकती हैं जिनके लिए इमेज स्क्रीन पर मिलता है, ठीक है, और ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है। यस सर, एक बार ऊपर ऊपर के लेंस चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ ये लो स्क्रीनशॉट, सर ऊपर वाला मतलब वो रेडिस के ऊपर वाला। जब हम कहाँ रखते हैं उसको, फॉर्मूला में रखते हैं, लेंस फॉर्मूला में, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चले आगे। यस सर, ओके इसका यस सर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली शो किया है, और ए वन इज इक्वल टू यदि डी माइनस ए के बराबर है तो ए टू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ये आपको पता है। चलिए ये तो सब आपको पता है। नाउ अब ऊपर वाली इक्वेशन को फिर से पकड़ लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू जीरो। बेटा फॉर रियल रूट, क्योंकि इमेज इज रियल, इमेज इज रियल है ना, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज मिल रहा है मतलब वो रियल इमेज है। Hence, for real root, बेटा real root की condition याद है आपको? Real roots के लिए क्या करते हैं quadratic equation में? याद है? Equal to or greater than zero. Root of b square minus 4ac, मतलब b square minus 4ac should be greater than or equal to zero. ये होता है, याद है ना? Hello? Yes, sir. Yes. तो बेटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, तो बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी, तो बेटा ए स्क्वायर का मल्टीपल तो वन है तो लिखने की जरूरत नहीं, और सी की जगह एफ डी आ रहा है तो यह फोर एफ डी, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes. तो इसका मतलब फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो या तो ये सब आपको समझ में आया ना, तो रियल रूट्स के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको एक कंडीशन मिल रही है, डी को कॉमन लेके हटाओ, सो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर एफ, फोर एफ से बड़ा होना चाहिए डी की वैल्यू, ठीक है, और रियल रूट D should be greater than or equal to 4f, तभी real roots मिलेंगे। Okay, समझ आया? आपने real roots क्यों लिए लेकिन वो वाला? Real roots क्यों लिए बेटा? क्योंकि real image मिलना है, real image मिलना है मतलब A की real value मिलनी चाहिए, और एक ही रियल वैल्यू तभी मिलेगी जब रियल रूट्स होंगे। क्लियर? ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो वैल्यू ऑफ ए शुड बी रियल, यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी रियल, तो इसलिए मैंने रियल रूट की इक्वेशन डाली। तो बेटा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जो हमें मिल रहा है, हमें टू रियल इमेजेस मतलब टू ऐसी पोजिशन जिनके लिए स्क्रीन पर रियल इमेजेस मिल रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, जब d is greater than equal to 4f, ठीक है? सर मतलब d की वैल्यू रियल चाहिए ना, वो वाला है, d की तो रियल ही है, a की मतलब आपको रियल इमेज स्क्रीन पर मिल रहा है ना, रियल इमेज स्क्रीन पर मिल रहा है, तो उसके लिए फोकल लेंथ का 4 टाइम्स या फिर उससे ज्यादा जो है वो कैपिटल d की वैल्यू होनी चाहिए स्क्रीन और सोर्स के बीच के डिस्टेंस, ठीक है? ओके सर, चलिए बेटा टाइम हो रहा है इसलिए मैं एक दो फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर डी,
ठीक है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4d, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ, ठीक है इतना का लिख लेते, चलो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ओ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आई वन आई टू. आई वन आई टू क्या है बेटा, आई वन आई टू आर द इमेज, साइज ऑफ इमेज, आई वन एंड आई टू आर द साइज ऑफ इमेज, इमेजेस, दो इमेजेस बन रहे हैं ना उनकी साइज है, तो इनमें रिलेशन आ गया बेटा. इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है, नोट इट डाउन. देखो बेटा ये लास्ट टॉपिक था, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाकी है. ठीक है, तो अब आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, गुड, इसका ले लो फटाफट. डन सर, डन. नेक्स्ट इसका, डन सर, डन. तो बेटा आपको ये डब्बे में लिखा ये और ये दोनों पॉइंट नीचे जो स्टार मार्क करके लिखे हैं ये वाले याद रखने. ठीक है, या दैट्स इट. ओके तो बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, बाय बाय.